पॉलिनोमियल होता क्या है, क्या वैल्यूज आपके इसकी, पॉलिनोमियल कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनके बारे में। तो पॉलिनोमियल होता क्या है, सबसे पहले जिसमें क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स मींस जिनकी वैल्यू क्या करती है, वेरी करती है, दैट मींस चेंज करती है, जैसे एक्स वाई जेड एंड सो फॉर्थ। सेकंड उसमें क्या होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म्स होनी चाहिए। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जिनकी वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है, 2, 3, 4, 1 कुछ भी हो सकता है। एंड थर्ड क्या है, जिसके ऊपर क्या लगते हैं, ऑपरेशंस लगते हैं। ऑपरेशंस मींस टू से ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं, ऐड भी हो सकती है टर्म, सबट्रैक्ट भी हो सकती है, मल्टीप्लाई भी हो सकती है एंड डिवाइड भी हो सकती है। अगर इन तीनों चीजों को हम काउंट करें तो इकट्ठे ये टुगेदर बिटवीन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करते हैं। तो पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको लिखने का वे क्या, p ऑफ x इसका क्या मतलब है, पॉलिनोमियल इन x। अगर तो इक्वेशन आपकी x में है तो यहां x आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल 7x + 3। अगर आपके पास पॉलिनोमियल y में दे रखा है तो यहां p ऑफ y आएगा 7y। तो पॉलिनोमियल आपको पता चल गया कि क्या होता है, वेरिएबल्स जिसमें वेरिएबल क्या है, x। कांस्टेंट्स में कांस्टेंट्स क्या है, 7 और 3। एंड ऑपरेशंस क्या लग रहे हैं इसमें, जैसे 7 और x के बीच में मल्टीप्लाई ऑपरेशन लग रहा है और 7x और 3 के बीच में एडिशन ऑपरेशन। तो इन सब को अगर मैं इकट्ठे लूं तो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करते हैं। तो पॉलिनोमियल आपके पास तीन टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज मोनोमियल, सेकंड इज बाइनोमियल एंड थर्ड इज ट्रायनोमियल। पॉलिनोमियल नेम से ही पता चल रहा है, जिसमें क्या होती है, सिर्फ एक सिंगल टर्म होती है। ओनली सिंगल टर्म जिस इक्वेशन में रहे उसे क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल p ऑफ x इज इक्वल टू 8x, इसमें एक सिंगल टर्म है और कुछ नहीं। सेकंड बाइनोमियल मींस जिसमें टू टर्म्स होती है, जैसे फॉर एग्जांपल p ऑफ x इज इक्वल टू 2x - 3, यहां दो टर्म्स आ रही है, एक 2x और एक 3। एंड थर्ड इज ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मींस जिसमें आपके पास तीन टर्म्स होती है, वो तीन टर्म्स क्या, p ऑफ x इज इक्वल टू कुछ भी हो सकती है आपके पास टर्म्स, 7x + 8y - 3 कुछ भी। यहां आपके पास दो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स हैं और तीन टर्म्स हैं आपके पास, तो ये कंसीडर होगा ट्राइनोमियल। मोनोमियल, ट्राइनोमियल एंड ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और पॉलिनोमियल होता है। पहले आपको पॉलिनोमियल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मोनोमियल, ट्राइनोमियल एंड ट्राइनोमियल के बारे में बताया। अब अगर आपके पास इक्वेशन ये आ जाए, आपको एक इक्वेशन दे और बोले कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, तो पहले आपको चेक भी तो करना है कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं। उसके लिए क्या है, अगर आपको चेक करना है, पहली कंडीशन कि जो पॉलिनोमियल के ऊपर पावर आ रही है किसी भी इक्वेशन में, पावर भी बोलते हैं और डिग्री भी बोलते हैं, वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको इक्वेशन दी पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर -3 + 7, तो ये पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं होगा क्योंकि यहां x की पावर क्या है, -3, तो ये पॉलिनोमियल हम नहीं लेंगे। सेकंड, पावर आपकी फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए। फ्रैक्शन मींस टू से जैसे रैशनल नंबर के फॉर्म में, p का क्यूब की फॉर्म में, जैसे मैंने आपको दे दिया 7/3, तो इक्वेशन है आपके पास x की पावर 7/3 -8, तो ये भी पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं होगा क्योंकि इसकी पावर क्या है, फ्रैक्शन में होगी। अब इसी में यदि मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, पॉलिनोमियल दे रखा है आपको p ऑफ x इज इक्वल टू 7/x + 3, तो क्या ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं होगा। इसका रीजन क्या है, चाहे यहाँ पे x की पावर क्या है 1, लेकिन ये x की पावर 1 ऊपर जाके क्या हो जाएगी, 7 के साथ x की पावर -1 हो जाएगी। तो मैंने क्या बोला था ऊपर कि अगर पावर नेगेटिव आ जाए तो वो पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं होगा, तो इसको भी हम पॉलिनोमियल
कंसिडर नहीं करेंगे, रिफ्लेक्शन। अब इसी में आप अगर आपको एग्जांपल दूं, x की पावर 8/4 प्लस ये पॉलीनोमियल दे रहे, तो ये पॉलीनोमियल कंसिडर होगा या नहीं? ये पॉलीनोमियल है, क्यों? चाहे ये फ्रैक्शन में है बट ये फ्रैक्शन आपका कैंसिल हो रहा है, 4 × 4 × 4 × 8, दैट मींस आपकी इक्वेशन क्या होगी, x की पावर 2 प्लस 2, ये आपके पास पॉलीनोमियल है। अब अगर मैं यहां पे ये दे दूं कांस्टेंट पॉलीनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पॉलीनोमियल मींस जहां कोई x में कोई वेरिएबल नहीं है, सिर्फ आपके पास क्या होगा, कांस्टेंट टर्म। जैसे पॉलीनोमियल क्या है, ये 7, ये कांस्टेंट पॉलीनोमियल। अब आपके पास लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशंस होती है जो आपको ये बताती है कि पावर क्या है x की, x की, y की या z की। अगर x की पावर इक्वेशन में 1 है, x की पावर 1 प्लस 2 ये इक्वेशन है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलीनोमियल। रीजन क्या है इसका, बिकॉज़ यहां पे x की पावर या डिग्री, पावर भी बोलते हैं, मैंने ऊपर बताया था वहां पे, और डिग्री भी बोलते हैं, यहां इसकी पावर 1 है, दैट्स व्हाई इसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलीनोमियल। अगर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, अब आपके पास ये इक्वेशन, यहां x की पावर 1 है, यहां x की पावर 2 है, हमें हाईएस्ट पावर चेक करनी है, तो हाईएस्ट पावर यहां पे क्या है, 2 है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। And third one is, अगर power क्या हो जाए, 3 हो जाए, जैसे for example, 3x का cube plus 7x square plus 8x and minus 9, यहाँ power आपके पास x की 3 भी है, 2 भी है और 1 भी है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, highest power यहाँ पे 3 है, 3 क्योंकि degree, highest degree यहाँ पे x की power 3 है, तो इसे power 3 होने के कारण इस polynomial को क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलीनोमियल। तो मैंने आपको आज इस टॉपिक पे क्या बताया है कि पॉलीनोमियल होता क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, p ऑफ x, अगर इक्वेशन x है तो x आएगा, y है तो y पे, कौन-कौन सी चीजें या कौन-कौन सी इक्वेशन पॉलीनोमियल कंसीडर नहीं होती, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल क्या होता है, उसके बाद लीनियर पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलीनोमियल क्या है। तो अभी हमने इस लेक्चर में सिर्फ इतना पढ़ा है कि पॉलीनोमियल क्या है, कैसे रिप्रेजेंट होता है और क्या उसके टाइप्स हैं।